दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फोन के ऐप्स को अलग अलग पासवर्ड से लॉक कर सकते हो यानी आपके फोन में जितने भी ऐप्स हैं आप उन सभी पर अलग अलग पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हो क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जब हम अपने फोन के ऐप्स को एक ही पासवर्ड से लॉक करते हैं अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे पासवर्ड को देख लेता है पासवर्ड के बारे में जान जाता है तो वो सभी ऐप्स को एक ही पासवर्ड से एक्सेस कर लेता है ओपन कर लेता है दोस्तों जब आप अलग-अलग पासवर्ड सेट कर दोगे, अलग-अलग पासवर्ड तो उसको पता है बाकी अदर जो एप्स है वो आपके सेफ और सिक्योर रहेंगे तो इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जरूरी है पूरा जरूर देखना और कई जगह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अब चिली वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अब चिली मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिसको आप यूज करके आप अपने फोन के सभी एप्स पर अलग अलग पासवर्ड सेट कर सकते हो आपके फ़ोन में जितने भी एप्स हैं आप इन सभी पर अलग अलग पासवर्ड लगा सकते हो आपके जो ऐप्स हैं वो अलग अलग पासवर्ड से ओपन होंगे वीडियो को पूरा देखना ध्यान से देखना क्योंकि काफ़ी सारे लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं ध्यान से नहीं देखते हैं और कमेंट करते हैं कि हमारे फ़ोन में लॉक सेट नहीं हो रहे पासवर्ड सेट नहीं हो रहे ठीक है तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना ध्यान से देखना जो भी स्टेप जो भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा आपको उसको फॉलो करना है तभी आपके फ़ोन में लॉक सेट होगा पासवर्ड सेट होगा ठीक है आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ऐप लॉक आपको यहां पर एक एप्लीकेशन मिलेगा ऐप लॉक फिंगरप्रिंट आपको यहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है फोर पॉइंट टू की काफ़ी अच्छी रेटिंग है और दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है पचास मिलियन से भी ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और सिर्फ नौ एम बी का छोटा सा एप्लीकेशन है ठीक है आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है अपलिकेशन काफ़ी परफेक्ट काम करता है आप यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल हो चुका है कैसे सेटअप करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ वीडियो को पूरा देखना ध्यान से देखना ठीक है अब अप्लीकेशन को ओपन करते हैं जब आप अप्लीकेशन को ओपन करोगे आपको एक मास्टर पिन क्रिएट करना है ठीक है एक सिक्स डिजिट का मास्टर पिन इस तरह क्रिएट करने ठीक है ओके पर टैप करना है इसको आपको कन्फर्म करना है ओके पर टैप कर देना है ठीक है यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा आप फिंगरप्रिंट भी सेट कर सकते हो हम अभी इसको नो कर देते हैं अब आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा ठीक है काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे अब आपको सेटिंग्स पर टैप करने जब आप इस पर टैप करोगे आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन मिलेगा मल्टीपल पासवर्ड्स आपको इस पर टैप करने ठीक है इसके बाद आपको प्लस पर टैप करने अब दोस्तों आपको यहाँ पर चार ऑप्शन मिलेगा ठीक है पासवर्ड पैटर्न पासवर्ड कैरेक्टर जिस्टर जो भी आप सेट करना चाहते हो जिससे भी एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हो आपको उसको सेलेक्ट करना है ठीक है हम पासवर्ड पर टैप करते हैं अब हम एक पासवर्ड डाल देते हैं ठीक है जैसे हमें यूट्यूब ऐप को लॉक करना है तो हम पासवर्ड डालेंगे फ़ोर टाइम वन ठीक है इसके बाद ओके पर टैप करना है पासवर्ड को कन्फर्म करना है फोर टाइम वन ठीक है ओके करना है अब आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा न्यू पासवर्ड यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है जो पासवर्ड हम सेट करना चाहते हैं पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लॉकड ऐप्स आपको इस पर टैप करना है प्लस पर टैप करना है अब आपके फ़ोन के सभी एप्लीकेशन यहाँ पर सो जाएंगे जो फोर टाइम वन पासवर्ड है उससे हम यूट्यूब को लॉक करेंगे तो यूट्यूब को इनेबल कर देते हैं ठीक है अब आपको प्लस पर टैप करना है काफ़ी सारे लोग यहीं पर गलती करते हैं इनेबल करने के बाद डायरेक्ट बैक हो जाते हैं और होता क्या है कि उनका जो ऐप है वो लॉक नहीं होता है आपको प्लस पर टैप करना है ठीक है तो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा जो यूट्यूब ऐप है ये फोर टाइम वन पासवर्ड से लॉक हो चुका है ठीक है हम बैक जाते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो लॉकड ऐप्स के अंदर यूट्यूब ऐड हो चुका है फिर से बैक जाते हैं फोर टाइम वन पासवर्ड यूट्यूब पर सेट हो चुका है ठीक है तो दोस्तों इस तरह आप अपने फ़ोन के ऐप्स को लॉक कर सकते हो ठीक है हम फिर से प्लस पर टैप करते हैं पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं अब हम कोई दूसरा ऐप लॉक करेंगे हम पासवर्ड सेट करेंगे फोर टाइम टू ठीक है जो फोर टाइम टू पासवर्ड है इससे हम व्हाट्सअप को लॉक करेंगे ओके पर टैप करना है पासवर्ड को कन्फर्म करना है ओके अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है अब आपको लॉक्ड ऐप्स पर टैप करना है प्लस पर टैप करना है फ़ोन के एप्लीकेशन आपको यहां पर दिख जाएंगे ठीक है जो फोर टाइम टू पासवर्ड है इसे हम व्हाट्सअप को लॉक करेंगे ठीक है तो हम इसको इनेबल कर देते हैं अब प्लस पर टैप करना है व्हाट्सअप भी लॉक हो चुका है ठीक है व्हाट्सअप पर फोर टाइम टू पासवर्ड सेट हो चुका है अब हम बैक जाते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो वाट्सअप ऐड हो चुका है ठीक है दो अप्लीकेशन हमने लॉक कर दिए यूट्यूब पर फोर टाइम वन पासवर्ड सेट किया है व्हाट्सअप पर फोर टाइम टू पासवर्ड सेट कर दिया है फिर से प्लस पर टैप करते हैं पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं इस बार हम पासवर्ड डालते हैं फोर टाइम थ्री ठीक है ओके पर टैप करते हैं पासवर्ड को कंफर्म करते हैं फिर से ओके यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं फोर टाइम थ्री अब इसके बाद लॉग्ड ऐप्स पर टैप करना है प्लस पर टैप करना है अब हम कोई दूसरा ऐप सेलेक्ट करते हैं ठीक है जैसे मान लो कि इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम को हम फोर टाइम थ्री पासवर्ड से लॉक करेंगे इंस्टाग्राम को इनेबल करते हैं हमने इंस्टाग्राम को इनेबल कर दिया ठीक है प्लस पर टैप करना है अब आप यहाँ पर देख सकते हो तीन ऐप लॉक हो चुके हैं तीनों पर अलग अलग पासवर्ड सेट कर दिया है ओके okay, तो दोस्तों इस तरह आप अपने फोन के सभी ऐप्स पर अलग अलग पासवर्ड सेट कर सकते हो अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये काम करता है कैसे ये काम करता है ओके okay, अभी देखो मैं यूट्यूब को ओपन करूँगा अप्लीकेशन मेरा लॉक नहीं होगा ठीक है यूट्यूब आप यहां पर देख सकते हो यूट्यूब ओपन हो चुका है यूट्यूब हमारा लॉक नहीं हुआ है ऐसा इसलिए हुआ है कि अप्लीकेशन का जो परमिशन है वो अलाउ नहीं हुआ है आपको फिर से एक बार ऐप लॉक अप्लीकेशन को ओपन करना है अपना पासवर्ड डालना है जो स्टार्टिंग में आपने क्रिएट किया ये मास्टर पिन है ठीक है इसी से ऐप लॉक अप्लीकेशन ओपन होगा अब आपको यहाँ पर परमिशन को अलाउ कर रहे हैं अब आपको ऐप लॉक को इनेबल कर देना है ओके पर टैप करना है तो हमने परमिशन को अलाउ कर दिया है ठीक है इस तरह आपको ऐप लॉक का परमिशन अलाउ कर रहे हैं तभी आपके फ़ोन के ऐप्स लॉक होंगे ठीक है नाइन्टी परसेंट लोग यहीं पर गलती करते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे फ़ोन में ऐप काम नहीं कर रहे हैं जो हमारे फ़ोन के ऐप्स हैं वो लॉक नहीं हो रहे क्योंकि ऐप लॉक का जो परमिशन है हम अलाउ नहीं करते हैं और ये हमारे फ़ोन में काम करता नहीं है अब हम यूट्यूब को ओपन करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो यूट्यूब लॉक हो चुका है ठीक है यूट्यूब लॉक हो चुका है अगर हम यहाँ पर फोर टाइम टू पासवर्ड डालेंगे ये ओपन नहीं होगा आप देखो ओपन नहीं हो रहा है क्यों क्योंकि इसका जो पासवर्ड है फोर टाइम वन है जब तक हम फोर टाइम वन पासवर्ड नहीं डालेंगे यूट्यूब ओपन नहीं होगा ठीक है तो दोस्तों इस तरह आप फ़ोन के ऐप्स को अलग अलग पासवर्ड से लॉक कर सकते हो व्हाट्सअप पर हमने फोर टाइम टू पासवर्ड सेट किया था ठीक है अगर हम यहाँ पर फोर टाइम वन डालें तो व्हाट्सअप ओपन नहीं होगा अब हम फोर टाइम टू डालते हैं देखो व्हाट्सअप ओपन हो गया ठीक है तो ये तरीका है जिसको आप यूज करके फोन के सभी ऐप्स पर अलग अलग पासवर्ड सेट कर सकते हो अगर कोई भी आपके पासवर्ड को देख लेता है पासवर्ड के बारे में जान जाता है तो वो सिर्फ उसी एप्लीकेशन को ओपन कर पाएगा जिसका पासवर्ड उसको पता है बाकी एप्लीकेशन आपके सेफ़ और सिक्योर रहेंगे ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद